बॉडी थ्री टाइप्स की होती है, एक्टोमॉर्फ, एंडोमॉर्फ एंड दी मीजोमॉर्फ। और जो एक्टोमॉर्फ लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं पर फिर भी उनका वेट गेन नहीं होता है, फिर भी उनका वजन नहीं बढ़ता है। तो वो जो पतले लोग हैं, जो स्किनी गाइज हैं, वो ये सोचते हैं कि हम ऐसा क्या चीज़ खा लें, कौन सी एक्सरसाइज और वर्कआउट कर लें जिससे हमारा वजन बढ़ने लग जाए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटिंग फील करते हैं, उनकी बहुत ज़्यादा मजाक भी बनाई जाती है और वो बहुत सारी चीज़ें भी ट्राई करते हैं, वर्कआउट ट्राई करते हैं, एक्सरसाइज ट्राई करते हैं, डाइट ट्राई करते हैं, पर उनका वजन नहीं बढ़ता है। वो पतले रहते हैं, सूखे पापड़ रहते हैं, हड्डी रहते हैं, लकड़ी रहते हैं, ऐसे ऐसे कमेंट्स उनको सुनने के लिए मिलते हैं। तो आज की इस वाली वीडियो के अंदर मैं आपको डाइट की कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ, कुछ एक्सरसाइज की चीज़ें बताने वाला हूँ, कुछ गलतियाँ वो लोग कर रहे हैं जिस वजह से उनका वजन नहीं बढ़ पा रहा है। तो आइए इस वाली वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि जो एक्टोमॉर्फ लोग हैं, पतले सूखे लोग हैं, वो अपना वजन कैसे बढ़ा सकते हैं। साइंटिफिक चीज़ें हैं, प्रैक्टिकल चीज़ें हैं जो कि आप लोग फॉलो करके काफ़ी अच्छे रिजल्ट अचीव कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो एक्टोमॉर्फ लोग हैं, पतले लोग हैं, उनको करीब 500 कैलोरीज सरप्लस करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता होगा जो वजन बढ़ता है हमारा कैलोरीज सरप्लस पर डिपेंड करता है। तो कैलोरीज सरप्लस लोग कितना करते हैं, 200, 300, 400 कैलोरीज, करीब उनको 500, 550, 600 कैलोरीज सरप्लस में जाना पड़ेगा तभी उनका वजन बढ़ पाएगा। और उनके शरीर में भी बहुत सारी चीज़ें नहीं लगती हैं, वो जो भी खाते हैं उनके शरीर में लगता नहीं है। तो आपको करीब 500 कैलोरीज सरप्लस करना है और अपनी डाइट के अंदर शेक्स ऐड करें। अगर आप शेक्स ऐड करोगे, जैसे आप बनाना शेक लोगे, मैंगो शेक वगैरह लोगे, जब आप शेक्स ऐड करोगे, जैसे आप बनाना शेक बना रहे हो तो उसके अंदर दो बनाना ऐड करना है आपको, थोड़े से ड्राई फ्रूट, थोड़ा सा ओट्स, मिल्क वगैरह ऐड करेंगे, पीनट बटर, अगर आपके पास वे प्रोटीन है या फिर मास गेनर है तो वो भी उसके अंदर ऐड करेंगे। तो एक जो शेक अगर आप पियेंगे तो उसके अंदर करीब 700-800 कैलोरीज मिल जाएंगी। तो जिस भी इंसान को भूख वगैरह नहीं लगती है तो ये शेक्स वगैरह अपनी डाइट के अंदर ऐड कर सकता है, जिससे अपनी कैलोरीज को पूरा कर सकता है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं हमें भूख नहीं लगती है इसीलिए हम ज़्यादा खाना नहीं खा पाते हैं, तो ये शेक वगैरह ऐड करके अपनी कैलोरीज को हिट कर सकता है, कैलोरीज सरप्लस में रह सकता है, जिससे आपका वजन भी बढ़ेगा, आपके शरीर के अंदर ताकत भी आएगी और ऊर्जा भी आएगी। जब कैलोरीज सरप्लस की बात आती है तो वही सोचते हैं कि हम क्या चीज़ खाएं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जितने भी पतले लोग हैं, कुछ ज़्यादा ही स्किनी है, तो उनको अपने कार्बोहाइड्रेट्स हाई रखना होते हैं, मतलब ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स कंज्यूम करना होंगे। आप कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं, कौन कौन से कार्बोहाइड्रेट्स आपको लेना है, जैसे आप ओट्स ले सकते हैं, रोटी ले सकते हैं, चावल ले सकते हैं, आप ब्राउन ब्रेड ले सकते हैं, आप पोटैटो ले सकते हैं, आप स्वीट पोटैटो ले सकते हैं। तो ऐसे आपको कार्बोहाइड्रेट्स अपनी डाइट में शामिल करना है, अगर आप ये चीज़ें ऐड करोगे जिससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और जब भी आप वर्कआउट करने के लिए जा रहे हैं या फिर ब्रेकफास्ट कर रहे हैं तो उस समय आप 3-4 खजूरें भी ऐड कर सकते हैं, जो कि आपको एनर्जी प्रोवाइड करेंगी और आपका वजन बढ़ाने में काफ़ी हेल्प करेंगी। अब जब गंदे कार्बोहाइड्रेट्स की बात आती है तो फास्ट फूड खाते हैं लोग, जंक फूड खाते हैं जिसमें बैड कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो कि आपकी सेहत को बर्बाद करते हैं, प्रोसेस्ड फूड अपनी डाइट में शामिल करते हैं जिससे उनकी सेहत ख़राब होती है और उनका वजन हेल्दी तरीके से नहीं बढ़ेगा। तो आपको ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी और अपनी डाइट के अंदर थोड़ा बहुत प्रोटीन वगैरह ज़रूर ऐड करें। जितना आपका बॉडी वेट है एटलीस्ट उतना ग्राम आपको अपना प्रोटीन इंटेक रखना है, या फिर 1.5 गुना तक भी प्रोटीन रख सकते हैं, जिससे आपकी मसल बिल्डिंग जर्नी आसान हो जाएगी। प्रोटीन के सोर्सेज में आप जैसे चिकन ऐड कर सकते हैं, अंडे ऐड कर सकते हैं, 3-4 अंडे खा सकते हैं पर डे, आप फिश वगैरह ऐड कर सकते हैं, आप पनीर वगैरह ऐड कर सकते हैं, सोया चंक्स ऐड कर सकते हैं, दाल वगैरह ले सकते हैं, राजमा ले सकते हैं, छोले ले सकते हैं, और ड्राई फ्रूट्स वगैरह अपनी डाइट में शामिल करें गुड फैट के लिए। तो ये सारी चीज़ें अपनी डाइट में शामिल करें जिससे अपनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट भी पूरी कर पाएंगे और गुड फैट की भी रिक्वायरमेंट पूरी कर पाएंगे। अब पतले लोग ये कहते हैं कि हम वर्कआउट करें या ना करें, हम तो ऑलरेडी इतने पतले हैं, एक्सरसाइज करेंगे, वर्कआउट करेंगे तो हम वैसे ही और ज़्यादा पतले हो जाएंगे। ऐसा नहीं होगा, अगर आप वर्कआउट करोगे, एक्सरसाइज करोगे जिससे आपकी भूख खुलेगी। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हमें भूख नहीं लगती है, खाया पिया शरीर में नहीं लगता है, तो वर्कआउट करने से आपकी भूख इंक्रीज हो जाएगी, भूख बढ़ेगी और जो भी आप खाओगे वो आपके शरीर में लगेगा। किस तरीके से लगेगा, जब भी आप वर्कआउट करते हैं, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो जिम में जब हम जाते हैं उस दौरान हमारी मसल्स ब्रेकडाउन होती हैं, मसल्स टूटती हैं, और जब हम घर पर जाते हैं मसल्स रिपेयर होती हैं, अच्छा फूड खाते हैं, अच्छी डाइट लेते हैं तो मसल्स रिपेयर होती है, तो वो खाना आपके शरीर को लगेगा, आपकी मसल ग्रोथ होने लग जाएगी। तो आपको वर्कआउट ज़रूर करना है। कितने दिन, करीब 5-6 दिन तक वर्कआउट कर सकते हैं, सिंगल बॉडी पार्ट वर्कआउट कर सकते हैं या फिर डबल बॉडी पार्ट वर्कआउट कर सकते हैं, जिससे आपकी मसल ग्रोथ भी होगी, मसल डेवलपमेंट भी आपकी होगी और आपका हेल्दी तरीके से वेट गेन होने लग जाएगा। और बहुत सारे लोग के मन में ये भी सवाल चलता है कि उनको मास गेनर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अगर हम बात करें मास गेनर की, तो मास गेनर लेना कोई गलत बात नहीं है। बहुत सारे लोग मास गेनर नहीं भी लेते हैं, बहुत सारे लोग मास गेनर जो डब्बा होता है वो ऐड कर लेते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा स्किनी हो, बहुत ज़्यादा पतले हो, कैलोरीज सरप्लस में नहीं रह पाती हो और आपको खाया पिया भी शरीर में नहीं लगता है और आपको भूख वगैरह इतनी नहीं लगती है, तो आप मास गेनर
शेक ऐड कर सकते हैं किसी अच्छे ब्रांड का, किसी कंपनी का, कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि वे प्रोटीन लेना चाहिए, वे प्रोटीन ले सकते हैं, सबसे बढ़िया होती है वे प्रोटीन, पर जिसको खाया पिया शरीर में नहीं लग रहा है या फिर उनको भूख कम लगती है, कैलरी सरप्लस में नहीं रह पाते हैं, तो वो लोग मास गेनर ऐड कर सकते हैं। अगर मास गेनर नहीं लेना चाहते हैं तो मास गेनर शेक जो मैंने बताया है वो भी ऐड कर सकते हैं, जिससे आप कैलरी सरप्लस में रहेंगे, जिससे आप वजन को हेल्दी तरीके से बढ़ा पाएंगे। जितनी भी चीज़ें थी ये सारी चीज़ें फॉलो करके अपना वजन को बढ़ा पाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आप डाइजेशन पर ध्यान दें। बहुत सारे जो पतले लोग थे उनका डाइजेशन ख़राब रहता है, तो डाइजेशन ठीक करने के लिए आप दही वगैरह एक दिन में एक बार ज़रूर खाएं, सैलड वगैरह अपनी डाइट में ज़रूर लें, जिससे आपका डाइजेशन सिस्टम बहुत अच्छा रहेगा। और नींद पूरी करें, बहुत सारे लोग नींद पूरी नहीं करते हैं जिससे उनका वेट गेन नहीं हो पाता है, तो ये सारी चीज़ें फॉलो करके हेल्दी तरीके से वेट गेन कर सकते हैं। अगर आपको सारी बात समझ में आई हो, अच्छी लगी हो, तो फटाफट से वीडियो पर लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़रूर शेयर करें दोस्तों के साथ में, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।